मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे सेहत और इमाम की बढ़ती हुई कैफियत में होंगे अल्लाह का करम है उसकी तोफीक है कि उसने हमें ज़िंदगी दी मोहलत दी एक खूबसूरत रमज़ान का महीना और दिया कि हम अपने गुनाहों पर तोबा कर ले उस रब को राज़ी कर लें जो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है एक मुसलमान एक बंदाए मोमिन इस ज़िंदगी से गुज़रता जाता है ज़िंदगी में आने वाली मुश्किल पे सबर के साथ तहमुल के साथ उन मुश्किल को अल्लाह की रज़ा जानते हुए रदीतु बिल्ला ही कहते हुए मुस्कुराते हुए कहता जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हद ला नेंट अल्हम्दुलिल्लाह वमा के इल्ला बिल्ला हमने दोहरा कुरान पाक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का आगाज़ किया क़ुरान मजीद रमजानुल मुबारक के खूबसूरत महीने में नाजिल किया गया और ये अल्लाह का करम है कि हम इस खूबसूरत महीने में अल्लाह की किताब अल्लाह के कुरान पे गौर फिक्र कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या है हमारे अल्लाह के पैगामात हमारे नाम आज हम पारा नंबर सिक्सटीन म पे गौर वफिकर करेंगे और जानेंगे क्या कह रहे हैं अल्लाह सुबहान तम से और लेंगे कुछ अमल के इम्पोर्टेंट पॉइंट नहमदी रसूल करीम अम्माबादी बिस्मिल्लाम रबी शाहली सौधरी वसली अमरी वह कौली रबी जिदनी ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين PARA نمبر 16. इस पर जब गौर फिक्र किया तो बहुत सी मुसीबतें और आजमाइशें नज़र आईं बहुत सी मुसीबतें और आजमाइशें जिनसे हमारे प्यारे रसूल गुजरे बहुत सी मुसीबतें और आजमाइशें जिनसे हमारे प्यारे नबी गुजरे जिसमें हमारे लिए बहुत से अमल के पॉइंट्स थे आज आपको बहुत कॉमनली एक जुमला सुनने को मिलता है अल्लाह सुबहान तला मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं वाह मी बार बार मेरे पे मुसीबत क्यों आती है आजमाइश क्यों आती है मैं ही क्यों अल्लाह सुबहान कुरान पाक में फरमाते हैं और हम ज़रूर बिल जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से और एबीब सल्ला वसल्लम आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें अल्लाह सुबहान ये दुनिया बनाई ये दुनिया एक कैद खाना है हमारे लिए एक गुजरने की जगह है और अल्लाह सुबहान ये बता भी दिया कि तुम ज़रूर आजमाए जाओगे और फिर अल्लाह सुबहान इस बारे में बहुत मुख्तलिफ जगह पे एक उस इंसान के बारे में बताया जो ये यकीन रखता है उस उस बंदा मोमिन के बारे में बताया जो ये यकीन रखता है कि अल्लाह सुबहानो उसका खालिक है मालिक है और उसका तवक्ल इतना मजबूत होता है कि वो मुसीबतों और आसमायशों से मुस्कराते हुए गुजर जाता है अल्लाह का शुक्र गुजार रहता है और कंप्लेन नहीं करता और उस दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार दिखाया जो ज़रा सी मुसीबत और आजमाइश पे कंप्लेन करना शुरू करता है आहुजारी करना शुरू कर देता है अल्लाह का ना शुक्रा बन जाता है अल्लाह सुबहान तला ने ये दुनिया एक टेम्प्ररी स्टेइंग पीरियड के लिए बनाई है हम अल्लाह की तरफ से आए हैं इस दुनिया में एक मुकर मुद्दत तक रहेंगे और फिर गुजर के पलट के उसकी तरफ चले जाना है एक मुसाफिर जब सफ़र पर जाता है तो सफ़र में अगर उसको मुश्किल आते भी हैं तो वह कहता है कोई बात नहीं बस एक मरतबा मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ आज इस दुनिया में रहते हुए हमें फितनों से मुश्किल से मुसीबतों से इसी तरह गुज़रना है जैसे एक मुसाफिर गुजरता है हमें कंप्लेन नहीं करनी हमें आहजारी नहीं करनी हमें अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करने क्योंकि हमारी नज़र आखरत पे होनी चाहिए ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना जब मैंने ये शहादत दे दी अशद अशद मोहम्मद आबद हुआ रसूल तो मैंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि मैं अल्लाह तेरी बंदी हूँ और जब ये एतराफ कर लिया तो मुसीबतें आएंगी मुश्किल आएंगी आजमाइशे आएंगी क्योंकि अल्लाह मोहब्बत की आजमाइश तो लेगा एक बंदा मोमिन सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होता है तो इस मोहब्बत को साबित करने के लिए हमें मुसीबतों पे और आजमाइशों पे साबित कदम रहना पड़ेगा इस बारे में हम देखेंगे कैसे रसूलों पर पे और पैगम्बरों पर पे इल्म की आजमाइश आई इकतदार की आजमाइश आई तोहीद की आजमाइश आई बहुत सी और आजमाइशें आई आइए इस पर गौर फिक्र करते हैं और इससे अहम असबाक लेते हैं सूरह कहर चल रही है जिसमें चार किस्मों के ज़रिए अकीदे, माल इल्म और अकतदार की आज़माइश समझाई गई है मूसा के तीसरे सवाल के बाद सलाम सलाम ने को अलग कर दिया और अपने कामों की हमत बताई इक्तदार की आजमायश का किस्सा जुलकर नैन को अल्लाह ने बड़े वसाइल दिए थे उन्होंने मुख्तलिफ सफ़र किए और खैर के काम किए एक जगह हाजूज माजूद से बचाव के लिए मजबूत दीवार भी बनाई ये थी इकतदार की आजमाइश कि तिदार होते हुए भी जब लोगों ने उन्हें ऑफर किया कि हम मान दौलत से आपकी मदद करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं तुम सिर्फ कुत से अपने होने से मेरी मदद करो काफिर जहन्नुम में होंगे उन्होंने अल्लाह की आयात और रसूलों को मजाक बना दिया है ईमान वाले साले वाले ईमान और अमले सौले वाले और फिरदौस में रहेंगे ए पैगम्बर सल्ला वसलम ऐलान कर दे मेरे पर की बातें लिखने के लिए तमाम समंदर और ऐसे ही और समंदर मिलाकर कर सेहाई बन जाए तो इनकी बातें ख़त्म ना होंगी समंदर ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद सूर मरियम का आगाज होता है जो कि मक्की सूरत है 98 एट आयात है नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू अल्फ़ाज हैं थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव हरूफ हैं सूर मरीम हज़रत मरीम की दास्तान है ये वाद सूरत है जो एक औरत के नाम पर उतरी और वाद एक औरत का नाम है जो कुरान पाक में लिया गया हज़रत मरियम आजमाई की उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत का इतराफ़ किया उसकी इबादत की और आजमाई की। लेकिन जब उस आजमाइश में पूरी उतरी तो कैसे अल्लाह सुबहान तला ने उन्हें नमाज नवाज़ा इस सूरत में हज़रत मरीम की दास्तान नक़ल हुई है इसी मुनासिबत से इसका नाम सुर मरीम रखा गया है इस सूरत का असली पैगाम बिशारत और इतबा है जैसे हज़रत याहिया हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा आलम और हजरत ईसा आलाम की दास्तान के ज़मन में बयान किया गया है पैमत और इसकी कैफ़ियत खुदा के साहिब औलाद होने की नफी और शफात से मजबूत मसाइल इस सूरत में जिक्र होने वाले दीगर मौजूद में से हैं इस सूरत का आगाज़ हरूफ हुआ है जिसका मतलब सिर्फ मेरे अल्लाह को मालूम है अल्लाह ने अपने बंदे जकरिया आलाम पर जो मेहरबानी की इसका तस्करा है सकरिया आलाम बूढ़े हो चुके थे अगली नस्ल के दीन की हिफाजत की खातिर उन्होंने बेटे के लिए दुआ की अल्लाह ने इन्हें याहिया जैसा खूबसूरत होनहार बेटा अता किया और या हज़रत याहिया का नाम भी अल्लाह सुबहान ने नहीं दिया मरियम सलाम तन्हाई में अल्लाह की इबादत करती थी अल्लाह की इबादत में यकसू रहती थी एक फरिश्ते ने बताया कि इनके हाँ लड़का पैदा होगा मरियम सलाम की गोद में नोमोलूद ईसा को देखकर लोग सवाल करने लगे नोम ईसा ने कहा अल्लाह ने मुझे किताब और दिया और दिया, नमाज और जक़त और वालदा के साथ उसने से लोग का हुक्म सलाम के भेजे हुए ईसा अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं इब्राहिम ने अपने वाले को दीन की तरफ दावत दी कैसे इब्राहिम सलाम रिश्ते में आजमाए गए और कैसे वो साबित कदम रहे इब्राहिम आल सलाम ने अपने वालिद को दीन की दावत दी तो वालिद ने इन्हें घर से निकाल दिया अल्लाह ने सलाम और याकूब सलाम जैसे बेटे अता किए अल्लाह ने आल सलाम से कलाम किया और भाई हारून सलाम को इनका माविन बनाया सलाम अपने घर वालों को नमाज की तलकिन करने वाले थे सलाम आली मकाम नबी थे इसके बाद वाली नस्लों ने नमाज़ ज़ाया की और ख़्वाहिशात की पैरवी की ऐसे लोग आग में जलाए जाएंगे कैसे जनरेशन आजमाइशें बन गई मौत के बाद की जिंदगी में अगरचे लोगों का शक है लेकिन ये पहली बार जिंदगी देने से आसान है जहन्नुम में बड़े सरकश लोगों को पहले डाला जाएगा मुतकीन के लिए इज्जत के साथ उनको जन्नत में लाया जाएगा अल्लाह के लिए औलाद ठहराना इंतहाई संगीन जुर्म है अल्लाह के दिल में ईमान वालों के लिए मोहब्बत फरमा देते पैदा फरमा देते हैं अगर आज हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें हमें प्यार करें हमें इज्जत दें तो हमें अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होना पड़ेगा क्योंकि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत ऑटोमेटिकली डाल देते हैं इसके बाद सूरत तोहा है मक्की सूरत है वन थर्टी फाइव आयात है फ़ाइव थाउज़ेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन हरूफ है वन थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर अल्फ़ाज हैं इस सूरत में भी तोहेद रिसालत और आखरत का जिक्र है मिसाई सलाम का तफसीली किस्सा बयान हुआ है जिसमें फिरौन का जादूगरों के सामान वगैरह का जिक्र है कई इसबाक हैं, आदम और इबलीस का तस्करा है और चंद अहम हदायात हैं कुरान का नजूल आपकी मुशक्कत के लिए नहीं ये डरने वालों के लिए नसीहत है मानने वालों के लिए शलाह का जरिया है अल्लाह जाहिर और छुपा सबको जानता है तमाम अच्छे अच्छे नाम इसी के हैं तमाम खूबसूरत अजमा हुस्ना इसी के हैं मदीन से लौटते वक्त रास्ते में मूसा सलाम आग लेने गए तो वहाँ इन्हें मोजे दिए गए और फिरौन को दावत देने का हुक्म दिया गया मूसा सलाम ने दुआ की अल्लाह मेरी बातों में असर दे और हारून सलाम को मेरा मुआन बना दे मूसी अल्लाम की पैदाइश के वक्त फिरौन लड़कों को कत्ल कर देते और लड़कियों को बाकी छोड़ देते थे इसलिए मूसा सलाम की मां ने इनको संदूक में रख दिया और बहा दिया अल्लाह ने फिरौन के महल में उनको पहुँचा दिया और इन्हें इनकी माँ से दोबारा मिला दिया कैसी माँ ने ममता की आजमाइश दी लेकिन उसके बाद कितनी रहमतें कितनी बरकतें उसको मिल गई अल्लाह ताला ने मूसा सलाम को नबी बनाकर फिरौन के पास भेजा फिरौन ने उल्टे सीधे सवालात किए ने मूसा सलाम का जादूगरों के साथ मुकाबला कराया मुकाबले में जादूगर हक देकर मुसलमान हो गए और सजदे में गिर गए फिर उन्होंने हाथ पांव काटने की धमकी दी मगर वो साबित कदम रहे कैसे जादूगरों ने तोहीद की आजमाइश में पूरा उतर कर अपने रब के आगे डट कर खड़े हो गए अल्लाह सुबहान तला के हाँ मुजरिम के लिए जहन्नुम लेकिन मोमिन के लिए ऊंचे दर्जे हैं अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनील के मिसर से लेकर निकल जाओ फिर इनका पीछा किया और गर्क हो गया मूसा तूर पर गए तो सामीरी ने लोगों को बछड़े की पूजा में लगा दिया मूसा वापस आए सामरी को सजा दी अल्लाह ने आदम और हवा को नेमत वाली जन्नत में रखा कैसे शैतान उनकी आजमाइश के लिए आ गया शैतान ने आदम को बहका दिया फिर अल्लाह ने तोबा कबूल की इन सब को जन्नत से उतारा और कहा तुम आपस में दुश्मन रहोगे कुरान से जो एराज करेगा इसकी ज़िंदगी तंग होगी कयामत में नुकसान उठाएगा ए नबी अलैहि वसलम नमाज और जिकर की पाबंदी कीजिए वो की दुनियावी फावानी आपको धोखे में ना डाले अपने घर वालों को भी नमाज की तलखीन कीजिए आइए पारा पॉइंटर्स देखते हैं पहले हम हिस्से में हमने देखा सलाम के जवाब उसके बाद जुल्कन का वाकया जहन्नुम और जन्नत वाले कौन लोग हैं सलाम और सलाम का किस्सा ईसा गोद में कैसे उन्होंने अपनी माँ की पाकिजा होने की शहादत दी इब्राहिम और उनके वालद का किस्सा अंबिया के किस्से मौत के बाद क्या होगा ईमान और अमल पर मोहब्बत ईमान और अमले सौले वालों पर अल्लाह मोहब्बत निछावर करने वाले लोगों को भेज देता है इसके बाद सूर तो आई कुरान का नजूल मदीन वालों का किस्सा फिर को दावत जादूगर कैसे मुसलमान हुए बताया गया आखिरी हिस्से में ये बताया गया फिर कैसे गर्क हो गया गर्क होने से पहले कहने लगा मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया लेकिन उसकी तोबा कबूल नहीं की गई सामरी ने कैसे बछड़ा बनाकर कौम की आजमाइश की आदम और हवा कैसे शैतान के धकोसले में आ गए और आजमाइश में मुबतला हो गए कुरान से एराज करने वालों को हिदायत नहीं मिलती अमल की बातें लोगों की मुश्किलात को हमने दूर करना है और ये सोच रखनी है कि आज मैं किसी की मुश्किल को दूर कर रही हूँ इन कल अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर करेगा हर हाल में सब्र शुक्र करना है हमने नैगिंग नहीं करनी हमने कंप्लेनिंग बॉक्स नहीं बनना हमने अल्लाह की ना शुक्री नहीं करनी अच्छे वक्तों में तो सब शुक्रगुजार गुजार होते हैं मुश्किल वक्तों में टफ़ टाइम्स में अल्लाह पे तबक्कल रखना है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है अपने वक्त के फिर से मुकाबला करना है जी हाँ जब आप होंगे आपके कोई कोई ना कोई होगा। आपने उसका डट के मुकाबला करना है काफिरों दूसरों की तरक्की देखकर धोखे में नहीं पड़ना काफिरों की तरक्की उनकी माल की फरामानी एक मोमिन को धोखे में नहीं डालती क्योंकि अप मोमिन अपना अजर दुनिया और सबसे ज़्यादा आख़रत में ज़्यादा चाहता है बाकी तो सत बाकी रहने वाले अमाल करने हैं शेर नहीं करना आज की दुआ बहुत खूबसूरत दुआ है जब भी आपने किसी को कोई बात समझानी हो किसी को कोई बात डिलीवर करनी हो और आप चाह रहे हो कि मेरी बात उसको अच्छे तरीके से समझ आए तो ये बात ज़रूर ये दुआ ज़रूर पढ़िए यह वो दुआ है जो मूसा आलम ने फिर के पास जाने से पहले पढ़ी रबी शाहली सौधरी वसली अमरी वहलतमानी यफ कहु कौली ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम आसान कर दे और मेरी जुबान की कुछ किरा खोल दे कि वो मेरी बात समझ लें तो हमने इस बारे में देखा कैसे मुसीबतें और आजमाइशें हमें पॉलिश करेंगी उसके बाद हमें हीरा बनाएंगी और फिर उस हीरे को अल्लाह सुबहान तला के सामने पेश होना है अगर मैं मुसलमान से मोमिन और मोमिन से इबादुररहमान बनना चाहती हूँ तो इन आजमाइशों से मुझे गुजरना पड़ेगा अपनी मोहब्बत का सबूत अल्लाह को देना पड़ेगा लेकिन लेकिन अल्लाह किसी के सबर को जाया नहीं करता उसके बाद अल्लाह सुबहान सब को बेहतरीन रिवॉर्ड जन्नत की सूरत में और अपनी जजा की सूरत में जरूर अता करेगा मैं उम्मीद करती हूँ आप इस दौरे कुरान से मुस्तफीद हो रहे होंगे इससे खुद भी फायदा उठा रहे होंगे और इसको अपने प्यारों तक भी पहुँचा रहे होंगे हम उमत वस्त हैं हमारे कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है हमने कुरान की तालीम को आम करना है इस तालीम को खुद भी लेना है और अपने प्यारों तक भी पहुंचाना है कहीं कयामत के दिन कोई हमारा गिरेबान पकड़ के ये ना कहते कि ये पैगाम तुमने हम तक पहुंचाया ही नहीं अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा सुबह नकमदीका अशद अल्लांत का, फिर वतुब السلام عليكم ورحمه الله وبركاته